अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रजा टेलर। आइए आज मैं आपको फिर एक फ्रॉक, कलियों वाली फ्रॉक पर अनकर्ज करने वाला हूं। तो पहले हम इसे आयरन करेंगे और आयरन करने के बाद फिर आपको सारी डिटेल बताई जाएगी। और पहले हम बॉडी काटेंगे, चेस्ट और बैक को हम काट कर आपको अनकर्ज करेंगे, उसके बाद फिर आपको कलियाँ भी बताई जाएगी। तो मेरे साथ आप वक्त को बिताएँ ताकि आप सीख सकें। और ये हमने आयरन कर लिया है। और ये हमारे पास बॉडी पार्ट्स हैं, ये बैग है और ये हम इसके ऊपर फ्रंट रखने वाले हैं। और इसकी हम क्रीस को बना लेंगे। क्रीस बनाने के बाद आपको हम मार्कों के साथ पूरी डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे। और सो पहला मार्का हमने डालना स्टार्ट किया नीचे से, और इसकी लेंथ है हमारे पास 15, जिसे हम 15 बोलते हैं, 15.5 करने आप। पहला मार्का हम 1 पे लगाएंगे और दूसरा मार्का हम 8 पर लगाएंगे। इसके नीचे हम कलियां डालेंगे, कलियां भी आपको बताएंगे। ये हमने निशान डाल लिए सीधे, और पहला मार्का हम 14.5 पे लगाएंगे, दूसरा भी हम 14.5 पे डाल रहे हैं। और चेस्ट है इसकी हमारे पास 22, और कमर है इसकी हमारे पास 21। ये चेस्ट और कमर को हम आपस में मिला लेंगे और इसके बाद ऊपर आ जाएं। जैसे मैं आपको कहता हूं कि 1 इंच छोड़कर आपने अंदर की तरफ मार्कर डालना है, और फिर 1 इंच छोड़कर आपने अंदर की तरफ मार्कर डाल लिया। और ये आर्म होल है, आर्म होल को आप बड़ी तरतीब के साथ, और वीडियो अच्छी लगने पर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये हमने हाफ पैर छोड़कर कटिंग करना शुरू किया, और इसके बाद हम ये आम और ऊपर वाला काटेंगे। ये कटिंग हो गया ऊपर वाला, और फिर हम नीचे वाला कटिंग करेंगे। ये कटिंग हो चुका बड़ी तरतीब के साथ, इसे सावधानी के साथ, नीटनेस के साथ आप इसे आम और को कटें। और ये भी हम इक्वल करने के लिए, रेबी निकालने के लिए इसको 1.5 इंच हमने काट दिया है। यहाँ से भी हमने एक पैर छोड़कर कटिंग करना शुरू कर दिया, और यहाँ पर हम कट लगाएंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये बॉडी पार्ट्स हैं, नीचे इसकी कलियाँ आएंगी। सो आइए आपको हम कलियाँ भी कटिंग करना बताएंगे। और ये एम्ब्रॉयडर कलियाँ हैं, इसकी लेंथ हमारे पास 45 है। बॉडी को डालकर और कलियों को डालकर हम 45 इसकी लेंथ बनाएंगे। और नीचे हमने 7 ले लिए कली को, और ऊपर से हमने 5 ले लिया, ठीक है जी। इसी तरह आपने बॉडी और नीचे पैच, ये पैच है, इसको भी आपने लेना है, ताकि इसका भी मार्जिन छोड़ना है। 15 हमने बॉडी रखी, और 3 इंच इसका ये पैच है, पैच को भी हमने इसके अंदर ही डाल लेना है। और ये हमारे पास हो गया 18, और 18 को हम लेकर ऊपर जाएंगे, और ऊपर से हम इसके, और 15 को हम बढ़ाकर उसके बाद हमने 45 पर हमने निशान डालना है। और ये हमने 45 पर डाल लिया, और हम सीधा निशान डालेंगे। और ये कलियां एम्ब्रॉयडर हैं, कंपनी ने इसी तरह हमें दी, और आपको हम इनकर्ज कर रहे हैं। तो इसको दबाव लेकर हमने कटिंग करना शुरू कर देना है। तो पहली ये कली हमारे पास दबाव लेकर हमने कटिंग कर ली है 5 इंच पे, और ये साइडों पे दबाव है 1/2 इंच का।
सो आइए, पहली कटिंग हमने कली कटिंग कर ली है, उसके बाद हम सारी कलियों को ऊपर रख के इक्वल करके, और ये हमने बैक और फ्रंट की कलियां रख ली हैं, आप देख सकते हैं ये भी हैं, ये देख सकते हैं आप, सारी कलियों को हमने इक्वल कटिंग करके हमने इसे तह लगाकर एक कर लिया है, और इसके ऊपर पहली जो हमने काटी थी ये ऊपर आकर हम इस सारी कलियों को एक दफ़ा फिर हम इसका साइज लेंगे 18 और ये देखिए 45 तक हम लेंथ बनाएंगे इसकी, 45 तक लेंथ इसकी बन जाएगी, और ये हम सारी कलियों को इक्वल कटिंग कर रहे हैं। ये हमने कलियां कटिंग कर ली, ये आप देख सकते हैं, इसको भी हमने, आइए इसके बाद आपको हम बताएंगे। और ये आप देख सकते हैं हमने कलियों को सारा इक्वल बनाकर आपको बताया, पहली कली हमने रखी, फिर दूसरी कली को, फिर हम तीसरी कली को उठा रहे हैं, फिर हम चौथी कली इसको, तो आप इसी तरह बैक की कलियों को भी हम ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद आपको बाजू कटिंग करना बताएंगे। तो सो आइए आपको मैं बाजू भी कटिंग करना बताऊंगा, अनकर्च करूंगा आपको, और इसके बाजू मेरे पास साइज है इसका 20, पहला मार्का हमने 1 पे, दूसरा मार्का 4 पे। अक्सर बात मैं आपको बताता हूँ कि 4 इंच आपने डाउन करना है, 4 इंच डाउन करके आपने 8.5 जो है ना आपने वो लगाना है निशान कंधे का, और ये हमारे पास मूरी है 6 इंच, और ये आगे पैच है, और ये आगे पैच है, और ये साइड का मार्का हम बढ़ा रहे हैं, अब गौर के साथ आप देखें, और यहाँ से हाफ है छोड़कर आप स्टार्ट करें। ये अमूल कटिंग हो चुका है, और इसके साथ ही 1.5 इंच लेकर इसे डी कटिंग कर दें, यहाँ पर टक लगा दें, और यहाँ पे भी टक डाल दें, और ये हमने नीचे वाले दो पल्ले उठाकर कटिंग कर दिए, आप देख सकते हैं ये हमने नीचे वाले दो पल्ले कटिंग कर दिए, ऊपर वाले पल्ले हमने दो कटिंग नहीं किए, ताकि इसके अंदर बैग के अंदर जोड़ आए। सो ये सारी चीज़ें हैं हमने आपको बताई, इसी को आप फॉलो, सब्सक्राइब और घंटी के बटन को प्रेस करें, और वीडियो अच्छी लगने पर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जितने आपके साथ लिंक में हैं, व्हाट्सएप पे हैं, फेसबुक पर हैं, आप उनको ये मूवी, ये वीडियो सेंड करें, ताकि आप भी जिस तरह सीखते हैं लोग भी, और लोग सीखकर दूसरों का अनकर्ज का स्वाद बन सके। सो थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।